अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैंटम और दोबारा से M24 एडिशन वीडियो और बता रहे इस वीडियो में बेसिकली एक मैसेज है जो मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग सुनो कि ना मैं मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो मैसेज मैं अभी बताऊँगा ना लेकिन इसमें ये वीडियो है तीन से चार उसकी है लेकिन चार वीडियोज मिला कर ऑलमोस्ट तीन वीडियो मिला कर इसमें एक मेरा दोस्त का जो मिस्टर हादी नाम है उनका उसका नाम और उसका नाम पता नहीं मुझे सही था समझ नहीं था क्या नाम है कि उसका नाम मिस्टर हादी है गेम में तो उसके साथ मेरा मैच होगा मतलब कि 1v1 उसका मैच होगा पहला मैच सेकंड फॉल उसमें मैं जो होगा ना M24 में मैं जो 11 किल कॉम्बो किया था ना वो जो मैं दिखाया भूल गया था सर उसके बाद क्या हुआ मेरा कॉम्बो मेरा नेट चले गया था मुझे अब मुझे पनौती नेट चले जाता है तो उसके बीचों बीच में आपको एक मैसेज दूंगा जिसको सुनने में बहुत मज़ा भी आएगा और इसके अलावा वो एक शॉटगन चैलेंज भी होगा एंड के अंदर जो हमने बहुत पहले किया था बहुत अरसों पहले मतलब महीना पहले मतलब साल पहले और देखिएगा मैं हमेशा से प्रैंक कर रहा था प्रैंक कर रहा था मेरे को अभी देखिए पार्टी से हेडशॉट नहीं दिया देखो प्रैंक करने रहा था प्रैंक और प्रैंक का मुझे हजाना भरना पड़ गया जिसके वजह से मैंने कहा चलो अच्छा जैसे ये मैच बीच में जाएगा तो मैं आपको मैसेज देना क्योंकि पहली बात मेरी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा नींद सब लोग मेरा दोस्त कह रहा था ये वीडियो बनाओ तो मैं सोच ठीक है मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँगा लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक मैसेज भी दूंगा जिससे लोग बहुत ज़्यादा होंगे चलो जैसे कि मैंने नेट किया हमेशा से लेकिन नेटिंग इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन और ये कुछ नहीं हुआ अच्छा मुझे वार मार दिया तीन किल कर दिए अच्छा मुझे एक कमेंट बताना है यार प्लीज़ जो अगर जो वीडियो देखता है मेरी तो उसमें मेरा एक मैच था बलोच गेम का F416 का या तो वो डालो या तो मेरी टीम मतलब कि मैं और बलोच थे उसमें मेरे भाई और गॉड ऑफ फायर थे और मेरा भाई फायर और जे जे था तो उन लोगों के साथ था उन साथ था मैं और बॉडी वो मुझे बॉडी खाई मैं बॉडी खाया मार दिया खत्म निकल पहली फुर्सत में कोई जगह नहीं आपकी यहाँ पर निकलो पहली फुर्सत में निकलो कोई जगह नहीं यहाँ पर आपकी हाँ जैसे कि हाँ चलो जैसे कि उसमें बता रहे हैं कि वो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी और जी आदमी से तीन चार वीडियो को मैशअप डालो एक साथ मैं स्नैपिंग प्लस M4 प्लस ये क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं और मेरे फ़ोन की मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं कर सकूँ और उसके साथ देखिए जैसे कि मैं वहाँ वो बेस्ट ऑफ 3 हुआ था मैच ठीक है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके पहले वन माइन है आपके 21 किल भाई साहब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं वो मैच भी ख़त्म हो गई थी और ये दोबारा से आते हुए बॉडी खाई या मजाक है मतलब कि ये शॉट भी मार देता है मैं शॉट भी मार पाता ये कहते हैं स्कैम होना है चीटिंग हो रही हैकर सब मैकअप सब हैकर है सर मैं एक प्रो बंदा हूँ शेयर करनी हूँ मैं दूंगा हैकिंग की इतनी ज़्यादा होती है निकल पहली फुर्सत में निकलो कोई जगह नहीं है यहाँ पर निकलो पहली फुर्सत में कोई जगह नहीं है यहाँ पर पहली फुर्सत में निकलो कोई जगह नहीं है यहाँ पर ये मैं नहीं बोलता मैं अच्छा बच्चा हूँ मैं गाली वाली नहीं देता मैं ठीक है अच्छा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी नई वीडियो आपको आ सकें और सेकंड ऑफ ऑल मुझे सर कोई फॉलो क्यों नहीं करता और ये जो मिस्टर हादी आपको कितनी बार आप मैं हमेशा बोलते थे वीडियो डालो तो मैं उसका भाई इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लेते हैं मैं इंस्टाग्राम पर लेते हैं हैक हो चुकी वाली बात तो ये सलाह 81 थे सलाह हैक हो गई हैक होने के मतलब बॉडी दोबारा से एक बार फिर से निकलो पहली फुर्सत में निकलो अच्छा आवाज वो नहीं ना वो टट्टू नहीं ना टट्टू जो हसन टट्टू वो होता ना मज़ा आता और कमेंट्री करने में और ये पता नहीं बात का हाँ देखो
और जैसे कि हमारा जो इसके ये वीडियो बहुत लंबी, तो पूरी वीडियो ना प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट मतलब जो भी समझो, रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखो और पूरी वीडियो देख के बताओ कि मैंने कैसे बनाई है। ताकि खास तौर पर मैसेज वाले पार्ट मिस मत करना, मैसेज वाले पार्ट मिस होगी ना ये मज़ा नहीं आएगा फिर। और ये जाम पूछ के ना तो ये इसने मैंने वो किया, कन्फ्यूज किया कि मैं वो कन्फ्यूज करा था इसने, मैं कन्फ्यूज हमेशा नहीं हूँ, मुझे कन्फ्यूज किया इसने कि ना गन लेके नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज, मैं भी गन छोड़ दिया हाथ से, उसके बाद मैं गन छोड़ दूँगा हाथ से देखने। पार्ट से है और मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा मुझे, ये गलत कर दिया, स्कैम हो गया, चीटिंग है, हैकर है सब के सब, मैं इस वीक लो बन रहा यहाँ पर तो नहीं रुको। हाँ चलो चलो, ओए ओए व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग, प्लीज स्टॉप, नहीं व्हाई आर यू लेइंग डाउन, व्हाई आर यू लेइंग डाउन, व्हाई व्हाई आई नोट आई वांट टू रीजन व्हाई। अच्छा जैसे अब मैं आपको बताता हूँ मैसेज क्या है, देखो हर किसी किसी भी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि वो नूब है, वो है वहाँ प्रो है, वाले को कि वो एक बंदा कोई भी मैसेज प्रो नहीं बन सकता। हाँ अगर उसकी इतनी हिम्मत ना कम से कम 10 बार तुम 10 बार चकन अगर लगातार वो भी क्या उनकी शर्म करें, क्या उन्हें एशिया में सर यूरोप में होते थे फिर मानूंगा हाँ भाई गारंटी प्रो है, सर मॉडल है। हाँ वो हर मैच में सोच के नहीं करता है, वो हर मैच में ट्राई करता है कि अच्छे से बेस्ट अपना बेस्ट है ताकि लोग उसके एंटरटेन हो सकें, ठीक है। तो ऐसे मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई मैं मुझे एंटरटेन कि मैं देखो अभी इस मैच में इतना अच्छे नहीं खेल पा रहा, क्यों? हाँ वो लक के डिपेंड होता है कि एक पहली बार सिचुएशन में डिपेंड होता है कि और कभी भी और मुझे इसकी पहली बार में पहली बार खेला उसके बाद ये डी सिंह था ये 100 डी सिंह शॉट था। हाँ तो इसके बाद पहली बार खेल रहा हूँ तो मैं पहली बार खेल के कभी भी जज नहीं सकता कि इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जैसे जे जे है हाँ और मस्त फायर है और सैम है, उन लोग से मैं मैच खेल चुका हूँ तो इसके साथ मुझे पता है कि हाँ कि अगर मैं इनको किस तरह मार सकता हूँ, किस तरह मेरी स्ट्रेटेजी पता है, स्ट्रेटेजी बनाने आती है उनके साथ मुझे। इसके बाद पहली बार मैच खेलता हूँ इसके समय मैं हार गया, मतलब हार नहीं गया मैं शायद जीत भी सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, मैं वीडियो देखी ही नहीं है पूरी। तो ना जैसे कि अब बलोच है, बलोच के मैं मुश्किल से एक मैच खेला हुआ पिछले मैच दो मैच, तो उसकी वजह से मुझे मैं कम बैक अच्छा किया कम बैक। हाँ मुझे इतना अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हुई उन लोग सर, मुझे उसकी स्ट्रेटेजी नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि जे जे के खिलाफ मुझे आती है स्ट्रेटेजी किस तरह करते हैं, फायर के खिलाफ मुझे आती है, फायर लॉन्ग रेंज में अच्छा है, क्लोज रेंज में इतना नहीं मार सकता जितना लॉन्ग रेंज में मार सकता है, वो जे जे भी जे लॉन्ग क्लोज रेंज में ज़्यादा मार सकता है एक्स कंपेयर लॉन्ग रेंज। सैम जैसे कि जब सैम और फायर की टीम होती है और ये पार्टी से बॉडी शॉट जैसा कि सैम जो है उसको ने उसको कहता है कि हम बेड बने, वैसे कि उसको मारना जो है बेड बनता है, बेड बन के तो वो मार देता है आराम से बंदे, जैसा कि फागर फायर उसकी टीम बनता फायर वेट बनेगा और उसके अलावा फिर वो सैम मार पीछे से मार देगा, ताकि पीछे से वो मारेगा, जैसे कि हम दो बंदे उसको मारेंगे तो पीछे से मारेगा और वो मुझे ख़त्म नहीं हो रहा, मुझे ख़त्म नहीं हो रहा यहाँ पर खड़ा इनका। और ठीक है जैसे कि जब भी मैं बोल रहा हूँ कि किसी बंदे को आप लूप नहीं मारो, कॉन्फिडेंस को ग्रो नहीं होता है, कॉन्फिडेंस उसको और लो होता है, उसका कॉन्फिडेंस और लो होता है, जिसकी वजह से फिर वो उसको डिग्रेड होता है, कहते हैं नहीं मुझे खेलना नहीं आता, मैं नहीं खेलूँगा, मुझे नहीं खेलना, मुझे गेम से नफरत है। तो उससे मुझे भी होता है मैं कभी फ़ोन में कभी फ़ोन उठा के फेंक देता हूँ उससे मैं का और गेम में कभी ऐसा बच्चा तो उसको देखो डांस करने लगा मैं बच्चा कर सकता है ऊपर चल गया। जैसे कि हाँ जैसे कि बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ जैसे कि बोल रहा मैं अभी मैं क्या बना स्कूटर विंग क्या बना देंगे और तो मैं जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं होता, जैसे कि लोग मुझे लोग बोलते हैं कि तुम नूब हो तो मैं खेल रहा था तुम बॉट हो यहाँ के अब जा यहाँ से निकलना है तू इस इंडस्ट्री में है ही नहीं निकल जहाँ से गेमिंग इंडस्ट्री में लाते थे गेमिंग इंडस्ट्री में। भाई खेलना सीखूंगा तो पता है ना जब बंदे से खेलना ही नहीं आता एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे इतना कि मैं देख लो मैं सीन सेवन में खेल लूँगा, सेवन मुझे खेलना नहीं आता मजाक नहीं करा, एट मुझे खेलना नहीं आया, नाइन मुझे खेलना नहीं आया, 10 और 11 मैंने अच्छा खेला ट्राई किया कि अपना लेवल बेस्ट हो, 11 में मुझे M24 एडिशन है, M24 के मुझे आती है, मुझे M24 स्टैपिंग आती नहीं थी, अब मैं ट्राई किया मैंने चलो लॉन्ग रेंज में, कल मैंने मजाक निकला ऐसा गंदा हैडशॉट दिया बंदा सोचा कैसे मारा, बंदा आया मैच खत्म
चल हवा में हेडशॉट दे दिया, हवा में मतलब कि हवा नहीं सारा सीधा जा इधर टट से पट से हेडशॉट चीज़ों को मुझे मार जाए। तो ये दोस्त है मेरा तो इसकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये हराए कुछ भी, क्योंकि देखो पहला गेम है वही बाद में वही मेरे 10 गेम खेलेगा ना 3 से 4 गेम तो मुझे बताएगा कि कैसे खेलता स्ट्रेटेजी मुझे पता लगेगी इसकी। जैसे कि फायर की तरफ मैच होता है तो फायर को कभी मैं फायर जीता कभी मैं जीता हूँ तो कभी भी पूरा कभी भी हमेशा बंदा पूरा नहीं जीत सके। हाँ कभी भी सारे मैच नहीं जीतता बंदे, एक बंदा सारे मैच नहीं जीतता, वो अपना लाइव बेचेगा कि हाँ भाई मुझे इतना अच्छा खेलना है मैं जाऊँगा। मॉर्टल भी मॉर्टल डायनामो कोई भी अच्छा मैच नहीं खेल सकता, इतना अच्छा मैच कोई नहीं सकता कि वो हर मैच में 10 मैच करने रखा। और ये वो ये वेरी बॉडी शॉट तो कोई जैसे कि मॉर्टल है डायनामो है हाँ वॉनी को वॉनी से फन के गेम खेलता है ठीक है। तो आप बोलोगे उसको फनी जब भी इसको देखते लो हाँ मैं फनी नहीं हूँ मैं वीडियो मैं ऐसे वीडियो टी टी वी डालता हूँ तो उससे क्या होता है मेरा हौसला बढ़ता है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देख लिया 11 कॉम्बो हमारे साल मेरी पहले 11 कॉम्बो आज तक के 11 कॉम्बो भाई मैं हैरान हो गया था जब मारा उसके बाद नेट चले गया अजीब नेट के भरने। तो किसी को भी नोब नहीं बोलो हर किसी को अप्रिशिएट करो भाई हाँ अच्छा खेलना तुम अच्छा खेलते हो तुम ट्राई करो ये को ट्राई करो उसको बोलो अप्रिशिएट उसको अप्रिशिएट करो अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि भाई खुश हो जाएगा उसका दिल खुश होगा कि हाँ भैया मेरे मुझे मान दे कि अच्छा अच्छा खेलता है बहुत ज़्यादा हाँ और वो खुश होकर लेवल बेस्ट देगा अपना अपने हर मैच में लेवल बेस्ट देखने खुश करेगा। जैसे मैं भी अपना हर मैच में लेवल बेस्ट देखना शुरू करूँ जैसे कि मेरे भाई वगैरह बोलते मुझे तुम नूब हो उसके बाद मैं जब चलती हूँ उनको मैं मारता हूँ कहते हैं अबे इसको गुस्सा आ गया मारा ये साला। तो किसी को भी डीमोटिवेट ना करो ताकि मुझे खुश उसको खुश से बोलो कि हाँ भाई बैठे थोड़ा सा अच्छा खेलो बस थोड़ा सा इसको बताओ किस तरह है स्ट्रेटेजी बताओ थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी अपनी कमजोरी बताओगे कभी अगर अपनी कमजोरी बनाने से कुछ तुम लोग ये नहीं हो जाएगा कि ये कमजोरी बता दोगे ना तुम लोग कुछ और क्या नहीं आता वहाँ में कमजोरी बताने कुछ नहीं होगा अपने सो कमजोरी बताओ टेंशन नहीं है भाई देखो हाँ डैम केयर अबाउट एनी टेंशन तुम कोशिश करो तुम उसको सिखाओ किसी बंदे को खेलने देना वो फायर को पार्टी से बॉडी शॉट तू भी निकल भाई नहीं फोर्स में देखो मैं इसको नहीं बोलता कि मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करता कि भाई बोलता हूँ जीजे अच्छे करते हैं जीजे और मस्त फायर वन द बेस्ट टाइपर्स इन माय स्क्वाड है मैं क्लैन में तो मैं क्लैन में मेरे क्लैन में नहीं किसी और क्लैन में था ऐसा जो खेलते नॉर्मली ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल और जैसे कि बलोच है पांडा है ये दोनों भी बहुत अच्छे खेलते हैं कि बलोच मुझे वो डिगेट करता है कि नहीं तो मैं अच्छा अच्छा नहीं था तो मैं इतना अच्छा नहीं खेला था ठीक है। बाकी कभी कभी फायर अप्रिशिएट करता है जे जे आजकल करता है क्योंकि उसको पता लगा कि हाँ भाई कमज़ोर नहीं है खेलना आता है उसको इसको खेलना उसको भी आता है ये डीमोटिवेट होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि मैं खेलने मज़ा नहीं आता जिंदगी में मज़ा नहीं आता खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता मजाक नहीं है। तो ये बात फिर समझनी पड़ेगी कि भाई बंदे को डीमोटिवेट ना करो अप्रिशिएट करो जिसकी वजह से वो अच्छा खेले आपके अच्छा कॉम्पिटिशन दे अगर कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा तो खेलने मज़ा क्या आएगा काफ़ मज़ा आएगा हाँ मेरे भाई समझता है मैं कॉम्पिटिशन नहीं कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं हूँ जिसके साथ मैं खेलता नहीं कभी भी कहता है नहीं तुम नूब हो तो खेल नहीं था भाई मैं नहीं हूँ मेरी कॉम्पिटिटिव मुझे खेलना मैं खेलूँगा तो सीखूँगा ना खेल खेल के बंदा सीखता है। जैसे एम फर्स्ट सीजन में मजा नहीं हो रहा दो साल एक साल पहले एक साल नहीं एक सीजन पहले मैं इतना टट्टी था मजाक नहीं करता टट्टी था कि भाई मैं एम फर्स्ट सीजन क्या कुछ मारने जाता था फर्स्ट सक्सेस का एम फोर वो उसका रिकॉल वो नेटवर्क का कॉल कंट्रोल नहीं होता तो बात करते हो फोर उसकी फोर एक्स का रिकॉर्ड सिक्स पे मजाक नहीं पप्पू शॉट मारता ना तो इशू में नो रिकॉइल 110% नो रिकॉइल। तो जैसे पी के एन फायर मुझे आ गया खेलना पी के एन फायर मुझे मारना आ गया ठीक है जो सीजन एट का हमारा सीजन एट का सीजन टेन का सॉरी तो ये मार दिया मैंने और टट्टू मेरे को 4 किलो की बाइक है अब स्टार्ट होगा हमारा कॉम्बो थाओ एक स्टार्ट होगा अपना 11 कॉम्बो 5 अभी कितना कॉम्बो 2 कॉम्बो 3 नहीं मारा 3 गोलियां 3 मार दिए हैकर पीछा ला हैकर पीछा ला हैकर और पीछा ला हैकर नहीं नहीं अपने बाप डैडी को मारो डैडी को 4 कॉम्बो
चार का कॉम्बो। तो हमें, मैं इसके साथ में बताता हूँ, इसके थोड़े से एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं। जैसे ये मैच खत्म हो जाए और ये 5 का कॉम्बो लेजेंडरी, इस सब देखो, इस सब में इतना गैसे वगैरह था ना, मेरी हड्डी शोक थे उसे, क्योंकि उसने पिछले मैच में बोलता अब जा नूब के बच्चे नूब। तो मैं खेलना मैंने तुमको, अब दिखाऊंगा उनको। और जब मैं नेट बन हुआ लोगों की तो खुश हुए लोग, अब उन्होंने मुझे स्टिल खा था टर्च से मारा प्यार से बॉडी शॉट लोगों 6 का कॉम्बो, इतना प्यार से मुझे मारा उन्होंने, इतना प्यार से मारा कि मैं मर गया 7 का कॉम्बो 8 का कॉम्बो नौ का कॉम्बो 10 का कॉम्बो 11 का कॉम्बो हमें नेट गया इस वक्त, और ये नेट ने फट मार दी मेरे, इसके वजह से मेरी इतनी जान जली थी, इतनी गंदी जान जली थी मेरी। मैंने कहा यार वेला, और जब मैंने फायर बोला फायर ठीक से करते, फायर ने ठीक से किए नहीं मुझे, इसके वजह से मुझे मैच से अलविदा लेना पड़ गया। और ये शॉर्ट का मैच स्टार्ट होता है हमारा, शॉर्ट का मैच जो बेतरजी से स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट किया हमने, ये जो हमें पुराना मैच है बहुत ज़्यादा, तो उसको जैसे नहीं आई पुराना मैच है, तो उसमें मैं और ये थे वर्सेस फायर एंड टीडीएल, तो हमारे इस चीज़ का मैच था। और ये पट 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 खत्म, वो टीडीएल इतना बॉट है, इतना डरता है इतना डरता है कि गेम थोड़ी भाग गया एंड में सानू बड़ा। हाँ तो मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ हाइड्रा क्लैन की, हाइड्रा सोल क्लैन की, ये सोल क्लैन जो है वो हर वो खेलता मैच अपना बूट के में, मानता हूँ वर्ष खेलता है वर्ष नहीं खेलते, हाँ तो उनके भी तो वो क्या हर मैच में मार लेते क्या, वो भी कभी ऐसी बॉट से मर जाते हैं, बंदे से मर जाते हैं जो सोचते कि नहीं, कभी कभी ऐसी गलती करते थे जिसमें उनको गुस्सा आता कि नहीं हमें गलती क्यों की, हमारी गलती क्यों थी इसमें, तो ये बात समझने की है। तो प्लीज़ मुझे, और इसके अलावा मुझे प्लीज़ नूप ना बोलो, वो आप अप्रिशिएट करो, ये सब अच्छा खेल लो क्या, हाँ कि भाई ट्राई करो, ये ऐसे मुझे ट्रिक्स बताओ कि हाँ ऐसे मारो इस बंदों को, ऐसे मारो चाहिए कि नहीं, ऐसे मारो नहीं गलत, ये गन अच्छी नहीं मारनी है, इस गन पे लगाओ कंट्रोल अच्छा रहेगा, इस कंट्रोल पर ऐसा करो अच्छा। हाँ अब मैं समझा वीडियो में वॉट मैं समझता कि मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, एक ज़्यादा नहीं होगा, इसके मैंने वीडियो काट दी अपनी आगे डाल के हमारे काटती थी, ठीक है। देखो मैं अपना ब्लॉक दिखा रहा है, अब दिखा देता हूँ, पहले नहीं दिखा रहा था मैं, तो ये आज ठीक है मॉडल वो देखता है कि हाँ उसका गेम प्ले अच्छा लगता है मुझे यार, अप्रिशिएट करता हूँ लोगों की, ऐसे कि हाइड्रा डायनेमो है, कभी बंदे उसको ऐसे मारते थे उसके नीचे मारा कैसे उसने, इसने हमें कैसे मार दिया, जैसे स्ट्रीमर्स फाइट होती है तो कभी भी हर स्ट्रीमर एक मैच नहीं जीतता, कभी भी कभी वो मरता कभी वो मरता, ऐसे मैं अपने दोस्तों जब खेलता हूँ तो मेरे दोस्त कभी मुझे मारता कभी मैं दोस्तों को आता हूँ, तो सीन ये होता है मेरे साथ हमेशा से। तो फायर है, फायर कभी मुझे आता है मैं फायर होता हूँ, कभी जैसे मुझे आता है मैं जैसे को आता हूँ, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है एक दूसरे का गेम प्ले देखने का, हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम खेलते रहते हैं हमेशा, हम कितने मैच खेलेंगे 100-150 मैच तो खेलेंगे एक साथ, खास तो टी टेम, तो टी टेम तो 100 खेलेंगे एक साथ में, किसके साथ एक्सपीरियंस है 2-4 में 50 तो खेलेंगे कि जिसके से एक्सपीरियंस है हम लोगों को कि हम ऐसा खेल सकेंगे इतना समझ के नहीं है। जैसे जैसे कि और बताया था मैंने आपको पहले एग्जाम्पल जो कुछ लोग जो नए होते हैं उनके मुझे नहीं खेल सकते क्योंकि उनके मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, और तो मैं कैसे खेलूँगा। और जैसे कि मैं M24 चला अपनी शॉर्ट गन चलाते हैं एस्ट्रल की मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी गन, पता लगा बाद में कि एस्ट्रल की अच्छी गन नहीं है इतनी,
S12 की जगह लो S686, दो गोलियां बंदा खत्म, दी एंड बंदे का धच्ची बना दो उस बंदे की। और ये बेसिकली शॉर्ट गेम चैलेंज है, शॉर्ट गेम चैलेंज। बेटा निकल पहली फुर्सत में, निकल तो जान दे दी यहाँ पर, बड़ा आया था मुझे मार दे, निकल पहली फुर्सत। अपने डैडी को नहीं मारेगा, खुद जा फुट जा। फायर हमें मारने आया था, खुद ही फट गया। समूह आ गया, समूह समूह से बातचीत ने समूह अगर कुछ ज़्यादा फ्री हो रहा है ठीक है। और बता दिया कि लड़की मैं लड़की अगर मेरी कोई दोस्त है उसके मैं खेलूँ क्या उसके साथ, उसके चिड़िया मैच खेलूँ क्या? क्योंकि देखो वो लोग आते नहीं, वो आती नहीं है। अगर मैं उसको बोलूँगा कोशिश करूँगा उसको बोलूँ तो वो शायद आ भी जाए, तो खेलना उसके साथ आपको। हाँ खेलना हो तो बताना ज़रूर, देखिए देखना उसका गेम प्ले मेरे साथ तो बताना ज़रूर, तो मैं पूछूँगा उससे। अरे मजाक कर रहे, कोई भी नहीं। अच्छा प्लीज़ मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो, इस पर इसके अलावा क्या होता है फेसबुक, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने सामने नाम है फेसबुक पे MOHMAMMAD मोहम्मद यूसुफ आमिर। उसके अलावा मतलब मेरी पिक्चर लगी इंस्टा वाली, उसके अलावा मेरे साथ सीन ये मेरा इंस्टा में फॉलो नहीं सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि वो कब से बोलो थ्री हंड्रेड मार्क कभी दिखा दो, इससे मुझे 14 सब्सक्राइबर चाहिए, 16 चाहिए, 16 चाहिए 300 मार्क कभी दिखा दो उसमें। इससे क्या होगा 300 मार्क कभी कम से ना उसमें 300 इस मतलब कि पिछले साल मैंने कम से कम हाँ अक्टूबर में ख़त्म कर दिए थे 200, तो मैं अक्टूबर खत्म में 5 मिलेंगे मुझे सब्सक्राइब, ऐसे ही करते करते मैं 5 महीने वो हो गए तो अच्छी बात है, 1000 सब्सक्राइबर बस चाहिए मुझे किसी टाइम। क्योंकि मैं समझ रहा लोग बोलते खरीद लो तुम सब्सक्राइबर खरीदो, मैं कहा नहीं है सब्सक्राइबर खरीदने का नहीं है, आसिम सब्सक्राइबर खरीदना नहीं है। भले आप वीडियो क्योंकि देखो हम वीडियो से नहीं डाले कि हमारे पैसे मिलेगा, हम वीडियो से बनाए ताकि हम खुश होते हैं कि वीडियो बनाते हुए अच्छा लगता है, वीडियो बनाते हुए ताकि लोग देखें तो मेरा गेम प्ले। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एक कभी एक गेम देखते थे बोलते अच्छा नहीं खेल रहे, कम से कम कभी दूसरा गेम लेते बोलेंगे इतना चलो अच्छा है, वेल प्लेड। जैसे कि एप्रिसिएशन मिलती तो भाई मैं खुश बहुत होता हूँ, जैसे कि तो कोई भरना आता है मेरे साथ कि मैं और चाहता तो अपने लेवल पे देता हूँ, हाँ कि भाई आ जाओ दोबारा पी लेंगे, तुम लोग सबको पी लेंगे, दोबारा से खुश करो, दोबारा से मैं पी लेता हूँ, फिर मैं मरता हूँ, फिर दोबारा पीलता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर दोबारा पीलता हूँ। तो यही गेम की स्ट्रेटी, यही गेम है और एक जस्ट पहले बताओ ये एक गेम है, और गेम से किसी का पूछ नहीं सकता कि कोई अच्छा खेलता कोई क्या खेलता है। हाँ अब किसी और चीज़ में आओ ठीक है, किसी और चीज़ में क्रिकेट मैच खेलने आ जाओ, मैं उसके लिए भी दावत देता हूँ, मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज करूँगा, आप बस घर आओ मेरे, मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज करूँगा, टेंशन लो। और सुना देखो अच्छा मुझे कोई पैसा भेजना चाहिए इसी वजह से, प्लीज़ भेज दो इसी वजह से, मैं अगर इसी वजह से अपना डालू तो भेज दो गेम, मुझे इस चीज़ का हाई नाम मुझे आप चाहिए। देखो मुझे भी कुछ भी दे दो, मतलब कि 100 रुपये दे दो, 150 दे दो, हाँ एक बाई 150 कुछ नहीं लगा 150 भी देने का, इससे क्या होगा मुझे और एपिसोड मैं तो फिर गिव अवे करूँगा, गिव अवे अगर मेरे पैसे आए ना तो मैं गिव अवे करूँगा, गिव अवे। और पहले बता दूँ मेरी आवाज़ अगर मम्बल हुई ना मम्बल तो समझ आ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये नज़ला हुआ है प्लस हंसी मेरी नज़ला और छीक ऐसी गंदी हुई ना, मेरी तो हाल चढ़ हुई है छीक से यार, खांसी थोड़ी हो रही है। अच्छा गाइस हम वीडियो के एंड पड़ाव पे हैं, एंड मोड पे हैं, एंड सफर पे हमारी वीडियो एंड होने, और ये सबसे बड़ी वीडियो मतलब कि स्ट्रीम के अलावा सबसे बड़ी वीडियो होगी हमारी आज तक की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी वीडियो लगी और मेरे मैसेज कैसा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी ही मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूँगा क्योंकि देखो और ना मार्च 2 से मैं आप लोगों से यूट्यूब से कुछ टाइम के लिए लाफिस कर दूँगा क्योंकि देखो मुझे अपना पेपर CIE के पेपर होता होगा, CIE के पेपर कितने महंगे होते हैं, तो मैं उसकी फीस भरी अलग अलग करके, तो उसको मुझे और देखो सैम भाग गया इसके बाद टट्टू भाग जाता है, तो ना मैं उसकी फीस मुझे उसकी पेपर करनी है, तो मैं
मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो यार, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ सके, अच्छे मार्क्स आगे ना तो ना मैं आप लोग की पक्का लगा रहा हूँ, मैं गिव अवे करूँगा 100% गिव अवे करूँगा। नहीं एक चीज़ आऊँगा गिव अवे, क्या ऐसा होगा कि मैं इसी पैसा पैसा भेज दूँगा, इसी पैसा अकाउंट देना कोई उससे पैसे वहाँ पैसे भेज दूँगा, वहाँ से पैसे या फिर हाँ जी पे दो गूगल पे भी मुश्किल है, गूगल पे में जी पे अकाउंट दूंगा वहाँ जाके सब वहाँ कर देना, और वो बॉट अपना को मार जाएंगे, बॉट अपना को मार जाएंगे हम उसके, ताकि हमसे हमें से किल ना करें, लेकिन हम भी जा रहे हैं, हम तो उसके बाप है। ठीक है गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट, आपसे मिलते हैं जल्द, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, लाइक कर दिया कमेंट कर दिया, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।